हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मैं हूं वेणुगोपाल शर्मा और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्लूइड मैकेनिक्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपने हमारे लास्ट वीडियोस थे वो देखे होंगे और आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह हमारे साथ बने रहेंगे। आपके कमेंट्स, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। कुछ स्टूडेंट्स ने डाउट्स भी पूछे हैं जिसे मैंने मीन टाइम में क्लियर करने की कोशिश भी की है। तो आप लोगों को अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही, कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं लेक्चर्स में, आप कमेंट सेक्शन में उसे जा करके कमेंट कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि मीन टाइम में हम आपके डाउट्स क्लियर कर सकें। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे साथ बने रहिए, और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बने बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, और आज का जो हम कोर्स कवरेज करने वाले हैं उसके हाइलाइट्स कुछ इस तरह से हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कि विस्कोसिटी क्या है। विस्कोसिटी को मैं अगर सिंपल टर्म्स में डिफाइन करूं तो इसको कहेंगे हम रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ अ फ्लूइड। कोई फ्लूइड जब फ्लो हो रहा होता है तो उसे अपने फ्लो होने में जिस रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है या उसे जो रेजिस्टेंस महसूस होता है, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। जैसे हम लोग सॉलिड बॉडीज़ की बात करते हैं तो दो सॉलिड बॉडीज़ जब आपस में मूव हो रहे होते हैं तो हम लोग सिंपल सी बात करते हैं कि फ्रिक्शन होता है उन दोनों के बीच में, जो कि उस मोशन को रेजिस्ट करता है, राइट। सेम वैसा ही विस्कोसिटी भी एक तरीके का फ्रिक्शन है जो कि फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है और जिसके कारण हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि फ्लूइड की हर लेयर की वेलोसिटी डिफरेंट है। ओके, अब विस्कोसिटी जो है वो दो मेजर कारणों से होती है। तो पहले तो हम ये दिमाग में बैठा लें कि व्हाट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज रेजिस्टेंस टू फ्लो। ओके, अब इसको हम लोग देखते हैं कि किन कारणों से होती है। तो रीजंस ऑफ विस्कोसिटी। तो देखिए, विस्कोसिटी के दो रीजंस हैं किसी भी फ्लूइड में। फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड भी और गैस भी। ओके, तो जो विस्कोसिटी है वो दो कारण से होती है। फर्स्ट, बिकॉज ऑफ द कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स लास्ट लेक्चर में कवर किया जा चुका है। एंड सेकेंड होता है इंटर मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। ठीक है, ये दो तरीके से देखने को मिलता है कि हमारा जो विस्कोसिटी का इफेक्ट है वो दो कारणों से होता है। दैट इज व्हाट, वन इज बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स यानी कि जो भी फ्लूइड है उसके सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कितना स्ट्रांग अट्रैक्शन रखते हैं, दैट इज कोहेसिव फोर्स। जितना ज़्यादा उनमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होगा, दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना अट्रैक्शन होगा वो उसमें कोहेसिव फोर्स की मात्रा उतनी ही ज़्यादा होगी। सेकेंड होता है इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। क्या होता है, जनरली ये चीज़ गैसेस में ज़्यादा ऑब्जर्व होगी। खैर, इसको देखते हैं क्या होता है। जो फ्लूइड है, दैट इज लिक्विड और गैस, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो इस जो सॉलिड होता है उसके कंपेरिजन में कम होता है, उसका जो स्ट्रेंथ है दैट इज वीक। ओके, एज कंपेयर टू द सॉलिड। अब लिक्विड से भी कम स्ट्रेंथ होती है गैस के मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड की। गैस के मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन होता है दैट इज मोर वीकर, है ना, दैट इज वीकर देन द लिक्विड। ओके, अब क्या है, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये स्पेस में ऐसा फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, कहीं भी रैंडम पाथ में, ऐसा जिगजैग पाथ में, रैंडम पाथ में मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, अब क्या है, जब ये मूव कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इनके मॉलिक्यूल्स में एक काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो इस काइनेटिक एनर्जी के कारण ये मूव कर रहे हैं। इनका एक पर्टिकुलर मास है, इनकी पर्टिकुलर वेलोसिटी है। अब ये वेलोसिटी इनटू मास विल गिव द मोमेंटम ऑफ दैट मॉलिक्यूल। अब ये जब एक दूसरे से टकराएंगे तो उस मोमेंटम का ट्रांसफर करेंगे। तो जब बार बार इन लोग टकराव में आते हैं तो इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर जो फ्रिक्शन होगा वो रिजल्ट करेगा किसमें,
विस्कोसिटी में, दैट विल कॉज रेजिस्टेंस टू फ्लो फ्रॉम दी इंटरमोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर, या फिर मॉलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर भी उसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो समझ आया होगा आपको कि कैसे दो मॉलिक्यूल जब आपस में टकराते हैं तो उनके बीच मॉलिकुलर फ्रिक्शन जनरेट होता है, एंड दैट मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड एज इन अ फॉर्म ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, और वो जनरेट करता है विस्कस इफेक्ट इन गैसेस। ठीक है, तो और मैंने बताया भी था कि कोहेसिव फोर्स जो होता है गैसेस में वो बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड। ओके, आप एक बार फिर से ध्यान दे सकते हैं कि कोहेसिव फोर्स इन गैसेस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू कोहेसिव फोर्स इन लिक्विड, ये याद रखना। ठीक है, सेम वैसी मॉलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर का जो फिनोमिना है वो लिक्विड में एकदम प्रोमिनेंट होता है ना, सॉरी गैसेस में एकदम प्रोमिनेंट होता है, लेकिन लिक्विड में ये उतना मैटर नहीं करता। ठीक है, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एज कम्पेयर टू गैस मॉलिक्यूल्स कम विलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं, करेक्ट। तो ये जो दो कारण है दे आर दी रीजन बिहाइंड दी विस्कोसिटी। तो अब देखते हैं विस्कोसिटी को और डिटेल में, समझते हैं कि विस्कोसिटी फ्लूड में कैसे आती है, फ्लूड का बिहेवियर कैसा होता है, उसको एक बार समझते हैं। ठीक है, तो सपोज एक सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस पे एक फ्लूड जो है वो फ्लो हो रहा है ना, तो आप देखेंगे कि जो फ्लूड है उसका वेरी फर्स्ट लेयर, सबसे पहली लेयर, यहाँ पर मैं थोड़ा डिस्टेंस बना रहा हूँ ताकि वो विजिबल हो सके। ओके, तो ये जो फ्लूड की पहली लेयर है, अगर ये जो आपका फ्लूड है उस फ्लूड के लिए नूडसेन नंबर की वैल्यू 0.01 से कम है, सो मैं बोल सकता हूँ क्या कि ये जो फ्लूड है दैट इज़ बिहेविंग लाइक अ कंटिन्यूम? यस, मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि नूडसेन नंबर 0.01 से कम है। सो इन दैट केस क्या होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया हुआ है कि इस सॉलिड सरफेस से जो वेरी फर्स्ट लेयर ऑफ द फ्लूड होगा वो इस पे चिपक जाएगा और उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी जीरो। ओके, ये इसके रिस्पेक्ट पे मूव नहीं करेगा, इससे चिपक जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि ये वॉल जो है दो तरीके के फोर्स लगाता है, फर्स्ट होता है एडहेसिव फोर्स एंड सेकंड होता है वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स, दो तरीके के फोर्सेस ये लगाता है वॉल। ओके, तो जैसे जैसे वॉल पे जो पहला लेयर था चिपक गया, कुछ डिस्टेंस और मूव करने के बाद एडहेशन फोर्स का जो इफेक्ट है वो गायब हो जाता है। ठीक है, वो वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक, साथ साथ वैसी सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स है, और इस वॉल के मटेरियल और इस फ्लूड के मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, जैसे जैसे हम इस वॉल से दूर जाएंगे ये अट्रैक्शन फोर्स कम होते जाएगा। ये अट्रैक्शन फोर्स क्या करता है, ये अट्रैक्शन फोर्स एक एंकर की तरह काम करता है, ये क्या करता है जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे जैसे हम सरफेस से दूर जाएंगे तो ये अट्रैक्शन फोर्स कम होने लग जाएगा, जैसे जैसे अट्रैक्शन फोर्स कम लगने लग जाएगा हम नोटिस करेंगे कि सरफेस से दूर जाने पर जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूड है वो बढ़ रही है। तो इसको ऑब्जर्व करने के बाद मैं जो डायरेक्शन है वाई डायरेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस और वेलोसिटी ऑफ फ्लूड को अगर मैं यू बोलूं तो यू दैट इज वेलोसिटी ऑफ फ्लूड एट एनी लोकेशन, वेलोसिटी ऑफ फ्लूड, और जो y है दैट इज डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू सॉलिड बाउंड्री, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन प्लॉट कर सकता हूं। तो मैंने जैसे कि बताया जैसे जैसे आप सॉलिड बाउंड्री से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे ये अट्रैक्शन फोर्स कम होते जाएंगे और जो फ्लूड पार्टिकल्स की वेलोसिटी है वो इंक्रीज होते जाएगी। सो आई कैन ड्रॉ अ कर्व लाइक दिस, ये कर्व शो करता है कि जैसे जैसे मैं वाई डायरेक्शन में यानी कि सॉलिड बाउंड्री से दूर जाते जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरी वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। तो ये जो मैंने कर्व बनाया ऐसे कर्व्स को कहा जाता है वेलोसिटी प्रोफाइल और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वेलोसिटी प्रोफाइल और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसको और थोड़ा डिटेल में ऑब्जर्व करते हैं। तो देखिए डिटेल में ऑब्जर्व करने पे मुझे ये पता चल रहा है कि हर लेयर पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो डिफरेंट है, करेक्ट। तो मैं कोई आर्बिट्रेटरी दो लेयर्स लेता हूँ, लेयर ए एंड लेयर बी। लेयर ए जो है वो सॉलिड सरफेस से वाई डिस्टेंस पे है और लेयर बी जो है वो वाई प्लस डी वाई डिस्टेंस पे है। तो ये जो लेयर है इसकी थिकनेस कितनी हो गई, ये हो गई डी वाई। ओके,
तो अब मैं इस लेयर को थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ, ठीक है। छोटी सी एलिमेंट है, दैट विल ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर इन शेप होगा वो। तो ये हो गया लेयर ए ए एंड लेयर बी बी, ओके। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो है यहाँ पर y, और लेयर b की जो डिस्टेंस है सॉलिड बाउंड्री से दैट इज y प्लस डी वाई, और ये जो थिकनेस है दैट इज डी वाई, ओके। यहाँ पर जो वेलोसिटी है दैट इज u, नीचे वाला जो लेयर है लेयर a पे जो वेलोसिटी है दैट इज u, एंड लेयर b की वेलोसिटी a से कुछ ज़्यादा है, सो दैट इज u प्लस डी यू, ओके। तो आई थिंक आपको पूरी सिचुएशन क्लियर हो रही है। अब आप देख सकते हो लेयर ए ए एंड लेयर बी बी, यानी कि लेयर ए एंड लेयर बी के बीच में जो वेलोसिटी है दे आर डिफरेंट। तो जो लेयर बी है और लेयर ए है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव हो रहे हैं विद डिफरेंट वेलोसिटी, राइट। सो यू कैन ऑब्जर्व वेरी इजिली दैट देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन ए एंड बी। So as there is a relative motion between A and B, you will find out that as A is moving with a lower velocity and B is moving with a higher velocity, जो B है उसको अपने motion में एक resistance feel होगा, ठीक है। B को अपने motion में एक resistance feel होगा। एक example, एक daily life के example से समझते हैं। आपने देखा होगा कई बार कि गांव में हम क्या करते हैं, जो दो मवेशी होते हैं, दो गाय या दो बैलों को एक रस्सी से बांध दिया जाता है, ठीक है। देख, इमेजिन कर पा रहे हो, तो सपोज दो बैल हैं, दोनों बैलों को एक रस्सी से उनके गले पे मैंने बांध दिया। अब बैल एक जो है, पहला वाला बैल जो है वो ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा है और जो दूसरा बैल है वो धीरे की तेज़ी से भाग रहा है, तो क्या फील होगा, जो तेज़ भाग रहा है उसको ही फील होगा कि जो धीरे चल रहा है वो उसको पीछे की तरफ खींच रहा है, और जो धीरे चल रहा है उसको लगेगा कि जो तेज़ चल रहा है वो मुझे आगे की तरफ खींच रहा है। तो दोनों को अपने अपने स्टेट ऑफ मोशन में एक रेजिस्टेंस फील होगा, ठीक है। यही रेजिस्टेंस जो है दैट इज विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या हुई, जब दो लेयर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, यानी कि इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर ऑफ अ फ्लूइड दे फील अ रेजिस्टेंस टू देयर फ्लो, एंड दैट इज ड्यू टू अ फ्लूइड प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज विस्कोसिटी, ओके। सो आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी वेरी क्लियर दैट व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड विस्कोसिटी। नाउ वी विल सी कि विस्कोसिटी को समझने के लिए और उसको टेक्निकली, मैथमेटिकली एंड फिजिकली डिफाइन करने के लिए हमने क्या क्या एफर्ट लगाए साइंस में, एंड वी विल स्टडी द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ओके। तो देखिए, यहाँ तक जो विस्कोसिटी का अभी और बाकी है विस्कोसिटी में, क्योंकि विस्कोसिटी सिर्फ इतनी ही नहीं है, विस्कोसिटी बहुत ही डिटेल्ड एक टॉपिक है, उसको अभी हम और भी देखने वाले हैं, ओके। तो देखिए, ये जो मैंने एक फ्लूड एलिमेंट एज्यूम किया है, ठीक है। इस फ्लूड एलिमेंट में मैंने एक पार्टिकल लिया है, पार्टिकल यहाँ पर है जो कि इसकी इनिशियल पोजीशन थी 1 पे। जब मैं इस पार्टिकल पे छोटा सा फोर्स F या कह लो कि DF, बहुत ही छोटा फोर्स है ये बहुत छोटा एक टेंजेंशियल फोर्स को छूते हुए मैं एक लगाता हूँ फोर्स, तो देखता हूँ कि पॉइंट नंबर 1 से जा करके पॉइंट नंबर 2 पे नहीं रुकता है, ये पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते ये फ्लूड एक बहुत ही कंटिन्यूसली बहुत दूर तक के डिफॉर्म होते जाती है जो ये लेयर है ना। तो मैंने यहाँ पर जो फोर्स लगाया, फोर्स के कारण यहाँ पर एक स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ, दैट इज द शियर स्ट्रेस डी टाउ, ओके। छोटा सा फोर्स लगाया डीएफ, तो उससे छोटा सा शियर स्ट्रेस डीएफ डी टाउ प्रोड्यूस हुआ। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि भाई जो फ्लूड है वो सॉलिड की तरह तो बिल्कुल बिहेव नहीं कर रहा है। सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में अगर मैं कोई शेयर फोर्स लगाऊं, इफ इट इज अ सॉलिड में अगर मैं शेयर फोर्स लगाऊं तो शेयर स्ट्रेस होगा टाउ इज इक्वल टू एफ बाई ए, टाउ इज व्हाट, शेयर फोर्स विल बी इक्वल टू शेयर फोर्स अपॉन एरिया अंडर शेयर। तो ये जो सॉलिड बॉडी है ये एक पर्टिकुलर डिफॉर्मेशन देगी फाई, ओके, और ये फाई की वैल्यू एक पर्टिकुलर एफ की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। एक पर्टिकुलर एफ लगाने पे एक फाइनाइट वैल्यू ऑफ फाई मुझे मिलता है। तो मैं यहां से किसी भी सॉलिड के लिए कह सकता हूं, फॉर सॉलिड के लिए हुक्स लॉ से ये कह सकता हूं कि शियर स्ट्रेस और एनी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन, ये मैं कह सकता हूँ किसी भी
सॉलिड बॉडी के लिए, क्योंकि एक फाइनाइट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस के लिए एक फाइनाइट वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेन आपको मिलता है। लेकिन जब मैंने यहाँ ऑब्जर्व किया तो मुझे ये डिफरेंट समझ आ रहा है कि जब मैं वही शेयर फोर्स के कारण पैदा हो रहा शेयर स्ट्रेस जब इस फ्लूड पे एक्ट कर रहा है तो उस केस में जो स्ट्रेन है दैट इज नॉट कॉन्स्टेंट। टाइम के साथ साथ जो स्ट्रेन है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। तो जो लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशन हुक्स लॉ का, दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन, है ना, ये जैसे सॉलिड में एक्ट करता है वैसा ये यहाँ काम नहीं कर सकता। तो इसलिए मुझे एक ज़रूरत है एक ऐसे लॉ की जो कि इस कंडीशन को पर्टिकुलरली पिक्चराइज करे। तो वो लॉ होगा क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये कहता है कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। क्योंकि मैंने यहाँ से ऑब्जर्व किया कि जो शेयर स्ट्रेन है दैट इज नॉट कॉन्स्टेंट, तो कम से कम मैं ये तो पता कर सकता हूँ कि किस रेट से ये डिफॉर्म हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन को रिलेट करना पॉसिबल नहीं था जैसे कि सॉलिड्स में होता है बाय हुक्स लॉ। तो न्यूटन ने लॉ दिया कि शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन क्या है। अगर सॉलिड होता तो शेयर स्ट्रेन निकालना बहुत आसान था, फाई की वैल्यू मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता था, लेकिन यहाँ थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैं क्या करता हूँ, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवेल dt की बात करूंगा। ओके, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवेल, dt क्या है, dt इक्वल टू टाइम इंटरवेल की बात करता हूं, ठीक है। एक मैं छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं जिसकी जो हाइट है दैट इज dy, ठीक, एंड जिसके एक पर्टिकुलर लेयर पे, इस पर्टिकुलर लेयर पे जो वेलोसिटी है दैट इज du। ओके, मैं एक लाइन, एक वर्टिकल लाइन एज्यूम करता हूं ए बी, और मानता हूं इस लाइन ए बी पे हमारा जो पार्टिकल है जिसके हम एनालिसिस कर रहे हैं वो वहाँ पर मौजूद है। तो पॉइंट ए पर वेलोसिटी है यू ए इक्वल टू जीरो, एंड पॉइंट बी पे वेलोसिटी जो है दैट इज यू बी इक्वल टू डी यू। ओके, पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी है दैट इज डी यू। अब जैसे कि मैंने बताया कि फ्लूड जो है वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म हो जाता है अंडर एक्शन ऑफ अ शियर फोर्स, तो यहाँ पर मैं मानता हूँ कि अगर इसकी वेलोसिटी, इस लेयर की वेलोसिटी डी यू है, तो टाइम इंटरवल डी टी में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दैट विल बी डी यू इंटू डी टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, इसकी जो स्पीड है दैट इज डी यू, और टाइम इंटरवल कितना है हमारे पास, डी टी है। तो जो पॉइंट बी पे पार्टिकल था वो डी टी टाइम इंटरवल में डी यू इंटू डी टी डिस्टेंस ट्रेवल करता है और एक नई पोजिशन ऑक्यूपाई कर लेता है दैट इज एट सी। ओके, तो मैंने जो डी टी टाइम में एक मोशन हुआ उसका ए से बी तक, उसको एक राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू रिप्रेजेंट किया है दैट इज ए बी सी, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब थीटा क्या शो करेगा, थीटा इज द शियर स्ट्रेन एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो थीटा हो सकता है टेन डी थीटा इज इक्वल टू डी यू इंटू डी टी अपॉन डी वाई। अब क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है, एज थीटा बहुत स्मॉल, इसकी वैल्यू कितनी है, डी थीटा है, थीटा बहुत छोटा है, सो डी थीटा, एज डी थीटा इज वेरी स्मॉल, सो टेन डी थीटा विल बी इक्वल टू डी थीटा, करेक्ट, सो टेन डी थीटा विल बी इक्वल टू डी थीटा। तो यहां से लिख सकता हूं मैं डी थीटा इज इक्वल टू डी यू डी टी अपॉन डी वाई। यहाँ से t को इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो मिलेगा d थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू डी यू बाई डी वाई, इज इक्वल टू डी यू बाई डी वाई। तो वॉट इज दिस डी यू बाई डी वाई एंड वॉट इज दिस d थीटा बाई डी टी। डी यू बाई डी वाई को सबसे पहले देखते हैं क्या है, डी यू है चेंज इन विलोसिटी, है ना, एंड dy क्या है, डिस्टेंस,
डीवाई क्या है, डिस्टेंस. सो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, है ना, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज, नोन एज वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट. ठीक है, तो वेलोसिटी में जो चेंज आता है विथ रिस्पेक्ट टू वाई डायरेक्शन और डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट. देन व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट, शियर स्ट्रेन, एंड दिस इज टाइम इंटरवल. सो दिस इज नथिंग बट द रेट ऑफ शियर, शियर स्ट्रेन. कैसे, जैसे कि देखिए ये जो डी थीटा एंगल है ये कितने टाइम में बना है, ये बना है डी टी टाइम में बना है, करेक्ट, छोटे से टाइम इंटरवल डी टी में बना है. तो एक सेकंड में, वन यूनिट टाइम में कितना आपका स्ट्रेन होगा, दैट इज डी थीटा बाई डी टी. तो डी थीटा बाई डी टी इज नथिंग बट द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन. तो हम यहां से लिख सकते हैं दैट रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये हो सकता है. ठीक, तो अब मैं इस लॉ में इस इक्वेशन को पुट करता हूं तो मुझे मिलेगा शियर स्ट्रेस यानी कि टाऊ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी. ओके, बट डी थीटा को हर समय ऑब्जर्व करना उतना आसान नहीं है, तो इसको मैं लिखूंगा टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई. ओके, अब जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज म्यू डी यू बाई डी वाई. ओके, सो दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, और यहाँ पर जो म्यू है, म्यू को कहते हैं डायनामिक, डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूड. ओके, इसको कहते हैं डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूड. देखने पे क्या लग रहा है, देखने पे लगता है कि न्यूटन्स लॉ ये एक्चुअल में वो लॉ है जो आप न्यूमेरिकल्स में यूज करोगे और जो आपको हर बुक में मिलेगा. देखने पे ये लगता है कि जो शेयर स्ट्रेस है दैट इज दैट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये डी यू बाई डी वाई है, ये आपका सॉरी वेलोसिटी ग्रेडियंट. ओके, सो डी यू बाई डी वाई देख के लगता है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट है, बट एक्चुअली ये है क्या, वो इस इक्वेशन से क्लियर होता है दैट डी यू बाई डी वाई इज नथिंग बट द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेंथ. तो मैथमेटिकली अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि डी यू बाई डी वाई क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है, लेकिन फिजिकली जो एक्चुअल में वो क्या है, वो है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन. वो इसी क्वेश्चन से हमारे पास प्रूफ भी मिल जाता है. तो कभी भी कोई स्टेटमेंट आएगा कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, तो आप ये लिखोगे दैट शियर स्ट्रेस इन अ फ्लूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन. ओके, सो दिस वॉज द ब्रीफिंग अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. सो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से हमको मिला कि एक न्यू दैट इज डायनेमिक विस्कोसिटी. ओके, तो अब हम देखते हैं कि डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू की ऐसा यूनिट क्या होती है. तो देखिए जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, दैट इज टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई. ओके, तो टाउ की यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. देन यू की यूनिट, म्यू की यूनिट दैट इज डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट हमको फाइंड आउट करनी है, तो उसको रहने देते हैं. अब देखते हैं डी यू बाई डी वाई. डी यू क्या है, वेलोसिटी है बेसिकली, तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड. एंड वाई है डिस्टेंस, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है आपकी मीटर. ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा एक टर्म मिल गया, मीटर अपॉन सेकेंड इंटू मीटर. इस पूरे को उठा के मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो मुझे म्यू की यूनिट आएगी, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इंटू मीटर अपॉन मीटर. मीटर टू मीटर कैंसिल हो गया, तो हमको फाइनल में डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू की यूनिट मिलती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. सो दिस इज दी ऐसा यूनिट. अब देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है उसको हम कहते हैं पास्कल. न्यूटन पर मीटर क्या होता है, दैट इज पास्कल. इसको हम पी ए से डिनोट करते हैं. तो म्यू को ऐसा भी लिख सकते हैं, म्यू की जो ऐसा यूनिट है इसको ऐसा भी लिख सकते हैं न्यूटन, सॉरी पास्कल सेकेंड.
न्यूटन पर मीटर की जगह क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह पास्कल लिख दिया मैंने, तो ये बन गया पास्कल इंटू सेकेंड। पास्कल सेकेंड इज ऑल्सो दी एस आई यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। ओके, नाउ मूव वी विल मूव ऑन टू द सी जी एस यूनिट। सी जी एस यूनिट क्या है भाई इसकी, तो सी जी एस में देखिए जो फोर्स होता है एस आई यूनिट में वो होता है न्यूटन में, और सी जी एस में उसको लिखते हैं हम डाइन। ओके, तो यहां पर टाउ का यूनिट क्या हो जाएगा, डाइन पर, लेंथ की यूनिट होती है सी जी एस में सेंटीमीटर, सो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। म्यू की ऐसी यूनिट निकालनी है, डी यू बाई डी वाई, डी यू का क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड डी वाई की यूनिट सेंटीमीटर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सिमिलरली ऐसा ही एक हमको टर्म मिलेगा, न्यूटन की जगह आ जाएगा डाइन, मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर, तो यह जाएगा डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बना इसका सी जी एस यूनिट। तो इसको कलेक्टिवली एक सिंगल नाम से जाना जाता है, दैट इज दी पॉइस। डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, पॉइस भी कहते हैं। डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पॉइस, पी ओ आई एस ई, पॉइस कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब जनरली कई बार क्वेश्चन को जब आप न्यूमेरिकल फेस करोगे एफएम के इस पार्ट से रिलेटेड, तो वहां देखना कई बार जो डायनेमिक विस्कोसिटी है म्यू उसको पॉइस में दिया होता है, और यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एसआई यूनिट। तो कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा, तो याद रख लीजिएगा रिलेशनशिप बिटवीन पॉइस एंड पास्कल सेकेंड। पास्कल सेकेंड यानी कि वही न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये होता है वन पॉइस इज इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और पास्कल सेकेंड। ओके, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 10 पॉइस। ओके, या इसके जगह क्या लिख सकते हैं, पास्कल सेकेंड, 1 पास्कल सेकेंड इज इक्वल टू बोल सकते हैं 10 पॉइस। सो दिस इज द एस आई एंड सी जी एस यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। होप आपको ये समझ आ गई होगी। ओके, तो देखते हैं अब एक नेक्स्ट टॉपिक या एक नेक्स्ट पॉइंट छोटा सा डिस्कस करते हैं। हमने अभी अभी देखा, हमने एक फ्लूड के ऊपर एक फोर्स लगाया, और उस फोर्स को लगाने पर वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता गया। तो यहाँ से मैं फ्लूड को एक नए अप्रोच से, एक नए तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। कैसे, फ्लूड इज अ सब्सटेंस विच डिफॉर्म्स कंटिन्यूसली under action of a very small shear force, or we can say stress, क्योंकि force के कारण ही stress generate होता है, shear force और shear stress। तो हमको फ्लूड की एक ऐसी डेफिनेशन मिल गई जो कि फोर्सेस पर डिपेंड करती है, या फिर फोर्सेस के थ्रू की गई है, दैट इज फोर्स। फ्लूड इज अ सब्सटेंस विच डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली अंडर एक्शन ऑफ अ वेरी स्मॉल शियर फोर्स। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया कि एक बात की कि फोर्स को एक कभी भी हम किसी लिक्विड पे जो फोर्स लगाएंगे वो फोर्स शियर फोर्स ही होगा। देखिए, मैंने कोई और दूसरा फोर्स नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि फ्लूड डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली अंडर एक्शन ऑफ अ शियर फोर्स। तो क्यों भाई हमने यहाँ टेंशन फोर्स या कंप्रेशन फोर्स की बात क्यों नहीं की है? आप एक छोटा सा अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हम कभी भी जो एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं किसी सॉलिड बॉडी के थ्रू किसी लिक्विड पर, ओके, वो हमेशा एक शेयर फोर्स ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम अपना हाथ किसी फ्लूड पार्टिकल पे या किसी फ्लूड एट रेस्ट पे जब मूव कराते हैं, ठीक है, तो उस समय हमारा जो हाथ है वो पानी के डिफरेंट लेयर्स को टेंजेंशियली टच करता हुआ निकलता है। तो हमने जो फोर्स लगाया लिक्विड पे
वो कैसे ट्रांसफर हुआ लिक्विड पे, वो ट्रांसफर हुआ एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में, एंड व्हेन अ फोर्स एक्ट्स टेंजेंशियली टू एनी सब्सटेंस दैट फोर्स इज कॉल्ड शियर फोर्स, एंड द स्ट्रेस एसोसिएटेड विद दैट शियर फोर्स विल बी शियर स्ट्रेस। तो कभी भी जब आप किसी लिक्विड पे फोर्स लगाओगे एक्सटर्नली बाय अ मीन्स ऑफ अ सॉलिड बॉडी, वो हमेशा क्या होगा, एक शियर फोर्स होगा। हाँ, लेकिन अगर आप उस फ्लूड को एक कन्फाइंड वॉल में डाल दो, ठीक है, आप उसको एक वॉल में, एक सिलेंड्रिकल वॉल ले लो, रेक्टेंगुलर वॉल ले लो, और उसके ऊपर एक पिस्टन से फोर्स लगाओगे जब, तो जो आप फोर्स लगाओगे वो फोर्स पूरे उसके फ्री सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और उस पर वो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करेगा। इन दैट केस यू विल अप्लाई अ नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स ओवर द सर्फेस विच विल प्रोड्यूस अ प्रेशर। ओके, तो उस केस में जो आप फोर्स लगाते हो दैट इज प्रेशर, ठीक है। तो ये दो तरीके से फोर्स लगाया जाता है, लेकिन जब आप किसी कंफाइंड वॉल में फोर्स लगाते हो तो उस केस में जो फ्लूड है वो डिफॉर्म नहीं होता है, वो फ्लो नहीं होता है। तो अगर फ्लूड फ्लो हो रहा है सो देयर मस्ट बी अ शेयर फोर्स, ओके, इफ द फ्लूड इज स्टैटिक। दूसरा इस डेफिनेशन से हमको एक चीज पता चलती है कि फ्लूड जो होगा वो हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स को रेजिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन क्या कह रही है, देख लीजिए, हमने एक वेरी स्मॉल शेयर फोर्स भी लगाया तो हमारा जो फ्लूड है वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता गया, यानी कि हम कितना भी कम फोर्स क्यों ना लगाएं फ्लूड जो है वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता ही चला जाता है, हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स को वो बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करता है। तो ये कब ऐसा होगा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो बिल्कुल भी रेजिस्ट ना करें? बिल्कुल पॉसिबल है, अगर फ्लूड स्टैटिक स्टेट पे है, रेस्ट पे है। अगर फ्लूड रेस्ट पे है तो हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स को वो थोड़ा भी रेजिस्ट नहीं करेगा, वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता चला जाएगा। लेकिन अगर फ्लूड मोशन में है उस केस में वो उस वहाँ भी पूरी तरह से रेजिस्ट नहीं कर सकता, वो कुछ एक्सटेंट तक जरूर रेजिस्ट करेगा इफ fluid is in motion. So in dynamic state fluid will resist or will offer some sort of resistance to the applied shear forces, but if the fluid is in rest it will not apply any resisting force. Okay, so I think I have made myself very very clear. Now hum dekhte hain ek nayi definition, that is kinematic viscosity. Humne abhi bhi dekha dynamic viscosity, अब देखते हैं काइनेमैटिक विस्कोसिटी। काइनेमैटिक विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है न्यू से, ओके, दिस इज न्यू, एक ग्रीक वर्ड है न्यू, उससे रिप्रेजेंट करते हैं काइनेमैटिक विस्कोसिटी को। अब काइनेमैटिक विस्कोसिटी क्या है एग्जैक्टली, ये बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आप समझ जाओगे कि एक्चुअली में काइनेमैटिक विस्कोसिटी क्या है और वो क्या बताता है और इसकी क्या जरूरत पड़ी जब हमारे पास ऑलरेडी एक विस्कोसिटी थी, दैट वॉज डायनेमिक विस्कोसिटी। तो आप दो फ्लूड ले लीजिए, एक है आपका वाटर और दूसरा मड है, ठीक है, एक गाढ़ा सा थिक सस्पेंशन है मिट्टी का पानी के साथ, एक मड रखा है एक बीकर में और दूसरे बीकर में आप ले लीजिए वाटर। अब आप दो सेम मास के स्टोन्स दोनों में सेम हाइट से ड्रॉप कीजिए तो आप देखोगे पानी में जितनी हलचल मची उतनी हलचल कीचड़ में, उस मड में नहीं मचेगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने लगभग सेम फोर्स सेम एनर्जी दोनों फ्लूड्स को दिया लेकिन जो डिस्टरबेंस है वो वाटर में ज़्यादा हुआ और मड में कम हुआ, तो ये किस कारण हो रहा है, इसको ऑब्जर्व करता है काइनेमैटिक विस्कोसिटी, इसको एक्सप्लेन करती है काइनेमैटिक विस्कोसिटी। काइनेमैटिक विस्कोसिटी किसी फ्लूड की वो एबिलिटी है जिसके कारण वो मॉलिकुलर मोमेंटम में होने वाले डिस्टरबेंस को डिफ्यूज कर लेता है मतलब फैला लेता है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं काइनेमैटिक विस्कोसिटी। काइनेमैटिक विस्कोसिटी को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू अपॉन रो। म्यू इज व्हाट, म्यू इज द डायनेमिक विस्कोसिटी एंड रो इज व्हाट, डेंसिटी। ओके, सो काइनेमैटिक विस्कोसिटी इज मैथमेटिकली द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू द मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूड। ओके, और ये क्या बताता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ फ्लूड, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ फ्लूड टू डिफ्यूज अ डिस्टर्बेंस इन मॉलिक्यूलर मोमेंटम। ओके, समझ आया, तो किसी भी फ्लूड की किसी डिस्टर्बेंस को डिफ्यूज करने की जो एबिलिटी है दैट इज द काइनेमैटिक विस्कोसिटी न्यू, और इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर
पर सेकेंड इन एसआई, ओके एसआई यूनिट होती है इसकी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एंड इसकी सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और इसको बोलते हैं स्टोक्स. क्या बोलते हैं? स्टोक्स. स्टोक्स इज द सीजीएस यूनिट ऑफ काइनेमैटिक विस्कोसिटी, एंड वन स्टोक इज इक्वल टू 10^-4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन सीजीएस यूनिट एंड एसआई यूनिट ऑफ काइनेमैटिक विस्कोसिटी. आई होप आपको काइनेमैटिक विस्कोसिटी क्लियर हो गई होगी. अब देखते हैं कि डायनेमिक विस्कोसिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है. ओके, सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर्स ऑन डायनेमिक विस्कोसिटी. तो देखते हैं लिक्विड्स पे सबसे पहले इसका क्या इफेक्ट होता है. लिक्विड्स, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में क्लियर किया है कि जो विस्कोसिटी है वो दो चीज़ों के कारण होती है. फर्स्ट इज द कोहेसिव फोर्स एंड सेकेंड इज द इंटरमॉलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर. अब लिक्विड में जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो उस केसेस में जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, और इस दूर जाने की कोशिश में जो उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो जाता है, और इस अट्रैक्शन फोर्स के कम होने के कारण जो कोहेसिव फोर्स है वो कम होने लग जाता है. ठीक. और मैंने ये भी बताया था कि जो लिक्विड है उसमें जो विस्कोसिटी है दैट इज मेजरली बिकॉज ऑफ कोहेशन. ओके, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो कोहेशन भी कम होगा, और इसलिए लिक्विड की जो डायनामिक विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे घटती ही चली जाएगी. तो म्यू ऑफ लिक्विड यानी कि डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. ठीक है, एक रिलेशन भी देख सकते हैं हम लोग डायनामिक विस्कोसिटी को, एक रिलेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं लिक्विड्स की, दैट इज म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1+α(T+β)t². सो दिस इज अ जनरल इक्वेशन फॉर द डायनामिक विस्कोसिटी. यहां जो म्यू है दैट इज द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एट 0°C, एंड अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स. अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स एंड अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा. दो कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं और अल्फा जो है वो बीटा से बड़ा है. इस रिलेशन से भी आपको एक साफ साफ क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड घटती चल जाएगी, क्योंकि इस रिलेशनशिप से क्लियर है दैट म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ओके, टेम्परेचर बढ़ाओगे लिक्विड्स का तो डायनामिक विस्कोसिटी घटती चली जाएगी. सिमिलरली अब देखते हैं हम लोग गैसेस में क्या होता है. मैंने बताया था गैसेस के बीच जो कोहेशन फोर्स होता है वो उतना प्रोमिनेंट नहीं होता. ठीक है, और मेजरली जो इनमें विस्कोसिटी होती है दैट इज ड्यू टू मॉलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर. ओके, अब क्या होगा जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मोमेंटम इंक्रीज होने लग जाएगा. मॉलिक्यूलर मोमेंटम इंक्रीज होने के कारण जब ये एक दूसरे पर टकराएंगे इनके दो मॉलिक्यूल्स तो मोमेंटम ज़्यादा होने के कारण एक दूसरे पे ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेंगे. तो जो फ्रिक्शनल फोर्स आता था यहाँ पर मोमेंटम के कोलिजन के कारण, ओके, यहाँ जो फ्रिक्शनल फोर्स आता था दो मॉलिक्यूल्स के कोलिजन के कारण वो फ्रिक्शनल फोर्स अब इंक्रीज होते जाएगा क्योंकि मोमेंटम भी इंक्रीज हो गया है. करेक्ट. तो जैसे जैसे आप गैसेस का टेम्परेचर बढ़ाते हो उनके मॉलिक्यूल्स का मोमेंटम बढ़ जाता है. मॉलिक्यूल्स का मोमेंटम बढ़ने के कारण जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो टकराने पर एक दूसरे पे ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करते हैं. ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करने के कारण हमको जो एपरेंट विस्कोसिटी है या विस्कोसिटी है वो ज़्यादा महसूस होती है, ज़्यादा पता लगती है. तो ये कहा जा सकता है कि गैसेस की विस्कोसिटी उनका टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती जाती है. यानी कि जो गैसेस का बिहेवियर है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में विस्कोसिटी का वो डिफरेंट है, पूरी तरह अपोजिट है लिक्विड के बिहेवियर से. सो डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू ऑफ गैसेस इंक्रीजेस
विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ाओगे विस्कोसिटी बढ़ जाएगी गैस की। तो एक जनरल फॉर्म में अगर मैं गैस के लिए लिखूं तो डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू होगा म्यू नॉट प्लस अल्फा टी स्क्वायर माइनस बी अल्फा इंटू टी माइनस बीटा टी स्क्वायर। ये एक जनरल इक्वेशन है जो कि किसी गैस की डायनेमिक विस्कोसिटी के लिखा जा सकता है। यहाँ सेम वही म्यू नॉट इज व्हाट, म्यू नॉट इज डायनेमिक विस्कोसिटी एट 0 degree Celsius एंड अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स। ओके, अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स। यहाँ पर दिख रहा है कि जो डायनेमिक विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरी बात ये भी है कि जो अल्फा है दैट इज ग्रेटर देन बीटा। तो यहाँ से समझ आ रहा है कि गैस की जो डायनेमिक विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर को बढ़ाने पर बढ़ जाती है और घटाने पर घट जाती है। ठीक है, तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड। सो स्टूडेंट्स, मैंने आज जो भी आपको पढ़ाया है होप आपको पसंद आया होगा और समझ भी अच्छे से आया होगा। मैं चाहूँगा कि आपके जो भी डाउट्स आए या जो भी प्रॉब्लम हुई या जो चीज़ अच्छे लगी आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में डालें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए। मैं आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगा और आगे आपके जितने टॉपिक्स एंड डाउट्स हैं उसको वक्त वक्त पर क्लियर भी करता रहूँगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग और भी जो आगे के बचे हुए टॉपिक्स हैं न्यूमेरिकल्स हैं वो भी कवर करेंगे। थैंक यू, मेरे और मेरी गेट अकेडमी प्लस की टीम की तरफ से आपको एक बहुत बहुत बड़ा थैंक यू।